पापा को मैं सुबह से देख रहा हूँ लगे हुए हैं। वो पानी सुबह सुबह ही आता है ना, इसलिए जल्दी से भर रहे हैं पापा। हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो और व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का व्लॉग भी एक चैलेंज व्लॉग होने वाला है। मैंने एक चैलेंज लिया है और मैं बताता हूँ चैलेंज क्या है। पहले आप ये वीडियो देखो। हेलो पार्टनर, एज यू सेड कि आप 1 वीक तक ब्लॉगिंग चैलेंजेस करोगे, सो आई हैव अ चैलेंज फॉर यू जिसमें आपको 24 आवर्स येलो फूड खाना होगा और उसका नाम है आई ओनली एट येलो फूड फॉर 24 आवर्स। तो शिया ने मुझको चैलेंज दिया है और मैंने गलती से चाय पी ली है, इसलिए मैं चैलेंज 10 बजे से स्टार्ट करूँगा, 10 o'clock से कल के 10 o'clock तक, ठीक है। और ब्रेकफास्ट में मेरे को मिल रहा है पकौड़े और वो भी है येल्लो, क्योंकि शिवान ने बोला येल्लो कलर फूड खाना है, तो स्टार्ट करेंगे ब्रेकफास्ट येल्लो से। मम्मी धन्यवाद आज येल्लो बनाने के लिए, आज सब कुछ येल्लो खाना है मेरे को। कपड़े भी येल्लो पहनूँ आज, देख लो भाई येल्लो है, येल्लो ही है, येल्लो ही है। मम्मी मैं आपको मदर्स डे विश करना भूल गया, हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे की खुशी मनाया आपने, है तो हमको बुलाना चाहिए आज कुछ। मदर्स डे आज, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। सब पी लिया, देख लो अच्छे से। कहाँ जा रहे हो? काम पे। उतरी गई डबल मास्क, ओ एक हैंकी एक मास्क। अभी बज रहे हैं 12 और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और मैंने येल्लो ही पहन लिया, क्योंकि येल्लो ही खाना है, येल्लो ही पहन लिया, सब कुछ येल्लो येल्लो हो जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? चलो चलते हैं सामान लेने शॉप पे। चलो चले मितवा, ये ले लिए सामान मैंने, सब कुछ पीला पीला भाई आलू दिया आज। सामान आ गया है हमारा, सब कुछ पीला पीला। सो गाइज मैं हूँ फुल तैयारी से, मैं लाया हूँ 5 रुपये का मना को, और शायद मुझे लग रहा है पीला नहीं होगा। और ये है 2 मैगी, ये तो पक्का पीली होगी, और ये भी येल्लो है, और ये कह रहे हैं कि येल्लो है, अंदर से देखना पड़ेगा इसका कलर कोई और ना हो। सो गाइज मैं इसको ग्लास में डालो ताकि चीटिंग ना हो, पता लग जाए येल्लो है कि नहीं। हाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये ऑरेंज है। मम्मी बताएगी पीला रंग है कि नहीं है, पीला रंग नहीं है, ऑरेंज है, मैं नहीं पी सकता है। गाइज ये मेरा चेक करते हुए पहली चीज़ ही मैं नहीं पी सकता। मम्मी फीलिंग सैड विद 59 अदर्स, नहीं पी सकता मैं, बहुत बुरा लगा। अब मैं एक बार बिस्किट भी चेक करता हूँ, मुझे बिस्किट पर भी शक हो रहा है, वो भी ऑरेंज होंगे। भाई साहब आज तो किस्मत बहुत ख़राब है मेरी। अब ये भी ब्राउन नहीं है, सॉरी ये भी येल्लो नहीं है, ये ऑरेंज है। भाई साहब मम्मी ये भी येल्लो नहीं है। ये लो हैप्पी मदर्स डे का गिफ्ट, जूस भी और ये भी। A few moments later. Guys, किस्मत खराब होना किसको बोलते हैं? ये तो नीचे से आई है खीर, बट वो वाइट रंग की है, मैं नहीं खा सकता। ये बन रहे मेरे लिए येलो राइस, चलो कुछ तो येलो खाने को मिलेगा 2 धोखों के बाद। सब खीर खा रहे हैं पर मैं नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। ये देखो गाइस मेरी मम्मी को सेवई बनानी आती है, भाभी अभी ट्रेनिंग है, सीख रही है। क्या क्या सीखो, डांस सीखो, इंग्लिश सीखो, कंप्यूटर सीखो। अरे इतनी मुश्किल से आके येलो फूड मिला है मेरे को, येलो राइस। अभी हो रहे हैं शाम के 4:39 और अब जाके मैं सुबह की थर्ड चीज़ खा रहा हूँ जो है येल्लो, ठीक है। खोल के देखता मैं इसको भी, वरना पता लगे ढप्पा हो जाए। भाई कम से कम इस चीज़ ने धोखा नहीं दिया, बहुत अच्छा लग रहा है खा के। इस कूलर को ठीक करने में सब ने हाथ लगा लिया, फिर उन्होंने ट्राई कर लिया, मैंने कर लिया, और अब पापा इसको बस बंद कर रहे हैं, उसमें भी बहुत कुछ टूट गया, आवाज़ आ गई टुक टुक टूटने की। 2000 years later. पापा तब से लगे मैं इसको बंद करने में। पापा रहने दो मैं कर दूंगा जवाब। बारिश हो गई बाहर, ध्यान से देखो बूंद दिखेगी, बूंदे बूंदे बूंदे। तो आज का किस्सा है 12th क्लास का किस्सा, फर्स्ट बंक का। मेरा पहला बंक था तो हमारा एक फ्रेंड था विष्णुकांत पांडे, मेरा स्कूल नेम था हॉबी, तो उसने बोला हॉबी चलेगा बंक पे, तो मैंने बोला हाँ चलेंगे। तो मैंने ऐसे जोश जोश में बोल दिया हाँ, वह स्कूल के गेट के बाहर तक जाएगा, वापस अंदर आ जाएगा। और हमने गिरी से पूछा, हमारे फ्रेंड गिरी है, तो गिरी ने बोला अरे तुम जाओ जाओ तुम जाओ, तो उसे लगा कि हम वापस आ जाएंगे। पांडे और मैं स्कूल से बाहर गए, सामने से गौरव आ रहा था, ठीक है, गौरव और दो दोस्त आ रहे थे दीपांशु और शुभम। हमने बोल दिया अरे वो यूनिट टेस्ट है उसके लिए कॉपी लेनी है, चलो दुकान चल रहे हैं। तो वो गेट के अंदर भी नहीं आते, हम ही बाहर चले गए, और वहाँ से विष्णुकांत पांडे, मैं, शुभम, दीपांशु, गौरव, हम 5 लोग निकल लिए शॉप के नाम से बाहर। हमने कहा कहाँ जा रहे हैं,
तो पहले तो हम करुणानगर में घूमने लग गए बंक के टाइम, बट मैंने कहा भाई मेरा घर यहाँ पास में है, यहाँ से दूर चल लो, गौरव कौर मेरा घर पास में है, हमारी बैंड बच जाएगी, तो हम वहाँ से दूर गए। तो दूर के नाम पे विष्णुकांत पांडे ने हमको ले गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उस टाइम ना कॉलेज के इलेक्शन चल रहे थे और जगह जगह पे पुलिस थी, ठीक है। अब हम स्कूल की यूनिफॉर्म में घूम रहे, पुलिस वाले जहाँ देखे वो हमको रोक लिया, अरे कहाँ जा रहे हो, ठीक है। और पांडे, अरे सेकंड शिफ्ट है हमारी, दोपहर की शिफ्ट है और हम दिन में घूम रहे थे। तो एक बार एक पुलिस वाले ने छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला, और ऐसे पुलिस वाले दिखे तो हमें डर लग रहा था कि भाई आज तो पकड़ जाएंगे। जैसे तैसे गए हम विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे। तो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे हमारा प्लान था कि हम बस में बैठेंगे और कहीं चले जाएंगे घूमने के लिए, मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो विष्णुकांत पांडे ने बोला नहीं चल रहे हैं यार, मज़ा आएगा। तो अभी हम बस में गए नहीं थे, हमने देखा सामने भीड़ लगी सड़क पार, तो हम सड़क पार करके गए और देखा भीड़ में क्या हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ, इलेक्शन चल रहे थे कॉलेज के, तो दो पार्टीज वाले ऐसे कि एक ने अपने पर्चे फेंके, उसने बोला हमारी पार्टी जिंदाबाद से कुछ टाइप का, और दूसरी वाली ने बोला अच्छा तुम्हारी पार्टी का सही, ले हमारी पार्टी अपने पैम्पलेट्स फेंक दिए। और बल्कि उस दिन डेट थी प्रमोशन बंद होने चाहिए, होता ना कि लास्ट के कुछ दिनों में प्रमोशन बंद हो जाते हैं, वहाँ पर मीडिया आ गई और वीडियो बन रही है और हम ऐसे अबे ओए, पांडे को मैं ऐसे कह रहा अबे ओए कैमरा चल रहा है, अगर बाई चांस ये टेलीकास्ट टीवी पे होगा घर वाले हम देख लेंगे हमको। हम वहाँ से कल्टी होती बस से बैठे, मेरे को डर लग रहा था, मैं पांडे को बोल रहा हूँ पांडे भाई क्या कर, तो नहीं पकड़ लेंगे। पांडे कह रहा स्कूल की ड्रेस में ना बस स्टाफ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल की ड्रेस वालों को नहीं पकड़ते। मतलब फिर वो मिलेगा हमको जाकपुर बस अड्डे में बस डिपो पर ले आके बस पर बैठा दिया। और मैं ऐसे, मैं कहा भाई कहाँ ले आए हो तुम, ठीक है, बस डिपो में ले आके बैठा दिया। फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक फ्रेंड चिली पटेटो लाया था, एक रोटी लाया था, रोटी पे चिली पटेटो लगा के खा रहे थे, ठीक है, उन लोगों ने दबा के खाया चढ़ा के मुझे। फिर वहाँ पर क्या बोलते हैं, आजादपुर में मुझे याद नहीं आ रहा कहीं पे वो थी एक्सीलेटर था, वो एक्सीलेटर ऊपर जा रहा था और हम ड्रामेबाजी कर रहे थे कि हम जाके ऊपर उससे नीचे आ रहे थे, ऊपर जाने वाला एक्सीलेटर हम इससे नीचे आ रहे थे। तो ऊपर गार्ड बैठा था और गार्ड अपना पता नहीं कौन सा पुराना सा फ़ोन, Nokia 3310 पता नहीं जोन सा फोन था, उसमें कैमरा तो था 0001 का कैमरा होगा, उससे वगैरह तुम्हारी रुको वीडियो बना रहा हूँ। हमने मजे लिए वहाँ से, थोड़ी हुई ना तफरी वफरी थी उस टाइम, निकल लिए। फिर उसके बाद सोचो हम कहाँ गए होंगे, अपने अपने घर सोच रहे ना तुम लोग ने। उसके बाद हम गए गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे जाने का रीज़न ये था कि भाई हमने पाप कर लिया, अब हम पाप धोएंगे, ठीक है। हम गुरुद्वारे गए, गुरुद्वारे बैठे, लंगर खाया, फिर वहाँ बैठे थोड़ी बातें करी, बहुत अच्छी भाई बातें। वहाँ पर गुरुद्वारे गए, पापा धो लिए, उसके बाद हम गए, गौरव का भाई छोटा भाई अभय है उसके स्कूल, उसको लेने के लिए गए। तो जब स्कूल लेने गए वहाँ पर गिरी मिला, गिरी करा अबे यार तुम लोग सच में चले गए, मुझे लगा मजाक रहोगे। और हम ऐसे बेटा तेरे को कहा था चल ले, तू नहीं गया, बट वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बड़ा मस्त एक्सपीरियंस था स्कूल का, फर्स्ट बंक सच्ची में। होप करता हूँ आपको ही मज़ा आया हो, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले इंस्पायर किस्से में, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज मैं सिर्फ येलो फूड खा सकता हूँ, तो अब मैं बनाने वाला हूँ मैगी। कढ़ाई पहली बार भी रख दिया गैस पे, अब इसमें डालेंगे पानी रख दिया, थोड़ा गर्म होने दो, फिर इसमें मैगी डालूंगा। आज तक सिर्फ एक दो ही बार मैगी बनाई है, शायद दो भी नहीं बनाई, सिर्फ एक ही बार बनाई है, मेरा सेकंड टाइम होगा। और सही बता रहा हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम है, हो सकता है मैं सत्यानाश कर दूँ, और अगर सत्यानाश करता हूँ तो इसके अलावा कोई और चारा नहीं है मेरे पास, सॉरी। मसाला डाल दिया है और अब पकने देते हैं इसको, मेरे को याद भी नहीं कितने पकाना होता है, मतलब लिखा है 2 मिनट नूडल्स, बट 2 मिनट छोड़ रखना होता होगा, 5 मिनट तो मेरे को ऐसे ही हो गए। A few moments later, ये बन चुकी है हमारी मैगी, देख लो ध्यान से, येलो फूड डिनर में मैगी, क्या दिन आ गया मेरे। ओ तेरे की उड़ उड़ पलंग 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 पलंग, हाँ भाई इसकी कसर रह गई थी बस। छापरी फैन फॉलोइंग है भाई आपकी, मैम ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। ओ बाहर बारिश हो रही है, मुझे पता नहीं था। आज की आखिरी चीज दूध, जिसमें हल्दी डाल रखी है, पीला है, इसकी गलती है, इसकी इसने लेट मंगाया, हम इसके भरोसे रहते हैं, स्पॉन्सर हमारा यही है, स्पॉन्सरशिप यहीं से मिलती है। नहीं भाई दिखाओ बुलेट टूनिया। Mm-hmm.
भाभी को बाहर बंद कर दिया है। मुझको एक मिनट पहले रिलाइज हुआ है कि मैंने केक खा लिया, वो व्हाइट कलर का था। म्यूजिक खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। सो गाइस, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। और सबसे मेन चीज़, अभी तक क्या बोलते हैं, सिर्फ 17% लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब करा जो वीडियो देखते हैं, और बाकी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा। तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को ऑल पे कर दो। और कुछ नहीं, पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अलग वाइब के साथ।